वैसे लोग ये कहते हैं भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी कुछ भी नहीं मिलता। और आज ये व्याख्यान हमारा ये कह रहा है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है तो भी तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, उसके लिए आप महादेव के ढिंग आ जाओ, महादेव को सपोर्ट कर लो, बहुत कुछ मिल सकता है। वो भंडार भर देते हैं बिना भाग्य के भी, और बाकी आपकी भक्ति जो है वो तो कारक है ही फल प्राप्ति में। आप जो भी भक्ति करते हैं उससे तो सब कुछ जायज है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वैसे भाग्य में विधाता ने भीष्म के लिखा था कि तुम कभी पाप नहीं करोगे, और भीष्म ने सच में भाग्य के लिखे हुए को सफल भी किया, ब्रह्मा के कारण 100 जन्मों तक पाप नहीं किया। पर जैसे ही पापियों का संग किया, भाग्य का जो लेखा था वो बिगड़ गया, कौरवों के संग में चले गए भीष्म, कौरवों के संग में चले गए भीष्म। तो भगवान प्रजापति ब्रह्मा ने लिखा था कि तुम कभी पाप नहीं करोगे, तो आज कौरवों के संग में आने से भीष्म का यह दिन आ गया कि प्रजापति का लिखा झूठा पड़ गया और भीष्म से पाप हो गया। भीष्म ने पाप किया कुछ नहीं था, एक तरह से लिखा तो सच हुआ, पर भीष्म पापी कैसे हो गए? तो कहा पाप को देखा। गीता यह कहती है कि पाप देखना भी और पाप सहना भी, पाप करना भी पाप है, सहना भी पाप है और पाप को देखना भी पाप है। इसलिए मैं आप सबको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि आपसे न चाहते हुए भी पाप हो जाता है, क्योंकि आप पापी से बात कर लो, पापी से बोल लो, पापियों की पाप की बात सुन लो, आप पाप में पड़ जाते हैं। आप तो अच्छे हैं पर गीता झूठी हो जाएगी अगर ये वचन सत्य नहीं हुआ तो। एक पाप वो है जो करने से लगता है, एक पाप वो है जो संग से लगता है, और एक पाप वो है जो देखने से सुनने से लगता है। चार प्रकार से जैसे विद्या आती है, चार प्रकार से ज्ञान आता है, चार प्रकार से पुण्य होते हैं, चार प्रकार से पाप भी आता है। देखने से, सुनने से, संग से पुण्य होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, और ये चारों से ही पाप होता है, अपराध होता है। इसलिए हमेशा संग का ध्यान रखो। हम किस आदमी से बात कर रहे हैं और कौन आदमी हमसे बात कर रहा है? अगर हम जानते हैं कि ये व्यक्ति पाप में पड़ चुके हैं, उनसे दूर हो जाओ। अगर हमें नॉलेज नहीं है, अनायास कुछ हो जाए तो अलग बात है, पर हम जानते हुए भी बात करते हैं कि ये पाप कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, तो भी हम बात कर रहे हैं, तो भी हम बात कर रहे हैं, तो ये पाप है महाराज, और इसका भी दंड मिलता है, इसका फल मिलता है। जब तक हमें मालूम नहीं है कि ये आदमी पापी है कि अच्छा है कि बुरा है, तब तक उसके साथ बैठ लिए, बोल लिए, बतरा लिए, फोन पे बात कर ली, कोई बात नहीं। पर जब हमें मालूम हो गया पूरी तरह से कि ये पाप कर रहे हैं, ये दुष्ट हैं और ये दुष्ट हो गए, फिर भी हम बात करें, तो तुम पाप हो जाएगा, तुम्हारा भंडारा भर जाएगा पाप का, तुम्हारे घर अपने आप पाप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आपके घर में चार लोग आए जाएं दिन में तो आप देख लेना, आपके घर में अगर कोई आ रहा जा रहा है, चाहे वो कितना भी धर्मात्मा है, पर उसके पैर की चप्पल के जूते के तल पर में घर में थोड़ी बहुत मिट्टी आती है, रज आती है, कण आते हैं। जैसे किसी धर्मात्मा के आने जाने से भी जूते में तो कण ही आएंगे, मिट्टी आएगी, और वो धरती है, जहां जहां पैर पड़ेगा वहां वहां से आएगा, और उसे रोक नहीं सकते अपन। हम अच्छा समझ के चाहे जितना भी उनकी महिमा करते हैं करें, अच्छी बात है, पर मिट्टी तो उनके पैर के तलवे में जो लगी है, वो तो चप्पल जूते में जो लगी है वो बाहर की है और वो गंदी है, और वो तुम्हारे घर में पहुंचेगी। तो एक अच्छे व्यक्ति के पैर के जूते में भी मिट्टी लग करके हमारे घर को गंदा करती है।
और उसे रोक नहीं सकते अपन, स्वाभाविक है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम महान से महान जीवन जी करके भी अपने आप कुछ पाप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उन पापों की वजह से हमारे जीवन में अच्छा भला जीवन जी के भी क्लेश आने लगते हैं। फिर लोग क्या कहते हैं, भाई कलयुग है, जो धर्मात्मा सज्जन अच्छे लोग हैं बड़े दुखी हैं और जो पापी हैं दुष्ट हैं वो बड़े सुखी हैं। हम ऐसा कहते हैं क्योंकि वही रिजल्ट दिखता है और सच भी है, नेकी के बदी अच्छे को इस तरह का संघर्ष करना ही पड़ेगा। अच्छे के साथ में ये सब चीज जुड़ी है, बुरे का तो बुरा ठीक है पर अच्छे के साथ। आप साफ सुथरा जीवन जीते हो, आप बहुत ध्यान रखते हो अपने पैरों का, चप्पल का, जूते का, कीचड़ का, मल का, मूत्र का, तो भी रज तो आती है, रू तो आएगी, धूल तो आएगी। और जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं वो तो आपको पता ही होगा, घर में कई लोग ऐसे जो लथेड़ के आ जाते हैं और घुसे चले जाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है। और कई तो इतने मूर्ख होते हैं कि चौकट पे आके रगड़ देते हैं पैर को, चौकट पे आके अपने घर की चौकट पे जूते को रगड़ते हैं आकर के घुमा घुमा के, आए पहुंचते हैं सीढ़ियों पे थपथपाएंगे, पैरों को फटफटाएंगे। ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो बाहर कूड़ा छोड़ना चाहते हैं, अंदर साफ ले जाना चाहते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इतना कूड़ा लगा हुआ है, गोबर लगा हुआ है, कुछ गंदा लगा हुआ है जो तुमने देख लिया है, तो चप्पल जूते को सीढ़ियों पर भी मत पहुँचो, उनसे पहले ही उन्हें उतारने का प्रयत्न करो, वहाँ से नंगा चल के जाने का प्रयत्न करो। क्या आवश्यकता है, ये सीढ़ियाँ भी तो तुमने ही बनवाई है ना, उसमें भी तो कुछ अच्छा मार्बल ग्रेनाइट लगाया है, वो भी तो घर से जुड़ी हुई अंग है, वो भी तो घर ही कहलाएगा। तुम्हारे तत्काल बाद कोई महात्मा संत आ जाए अपने घर पे और वो सीढ़ियों पे गोबर मिट्टी और मलमूत्र लगा हो तो वो भी तो अशोभनीय लगेगा ना। इसीलिए अगर ऐसा लगे कि हमसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को घर के बाहर ही छोड़ना है, उसे अंदर ले जाना नहीं है, घर के बाहर छोड़ो। गलती हो जाए और पता ना चले तो वो चली जाती है घर तक, पर गलती हो गई और पता चली तो मेरे हिसाब से उसे बाहर छोड़ो, घर तक ना ले जाओ, उससे घर में शांति भंग नहीं होगी, घर प्रसन्न जैसे रह रहा वैसे जैसे तुम्हें मिला। घर में बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, पत्नी आनंद से सब्जियों में लगी थी घर में, तो वो माहौल वैसा ही रहेगा। और जैसे ही आप घर में घुसे और जाते से आपने सब बातें बड़र 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 कर दी तो सारा हंसता खेलता परिवार एकदम गुम सुम चुम गुम, सब सब टेंशन में, सब चिंता में पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जितना भी आपके जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्लेश हैं, या आज कोई बड़ा दुखदायी कर्म हो गया है, उसे थोड़ी देर पचाओ, थोड़ी देर सहन करो, घर में जाकर के माहौल देखो, और माहौल अगर आनंद देने वाला है तो आप अकेले ही भोगो। और घर में जब माहौल लगे कि अब लोहा गर्म है, अब हथौड़ा चलाओ, तो बता दो, फिर कहो। घर वालों को समझने की सुनने की जब क्षमता हो तब आप बताइए कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, तो बात सुनी जाएगी और बात समझी जाएगी और बात का समाधान निकलेगा। और आप आते से ही परोस देवे दुख तो बात समाधान नहीं निकलेगा उसका, सब लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए बाहर का कलेश, बाहर की बुराई, बाहर की चुगली चांटी, बाहर की ऊंच नीच, घर में जाए तो ऐसी जाए कि गुप्त रहे, समय आने पर ही उसका भेद खुले, और समय आने पर भी तब खुले जब वो समाधान कारक हो समय, तो फिर घर में हमेशा कलेश मुक्त घर बना रहता है। और भैया हम क्यों साधु, क्यों गुरु करते हैं, हम क्यों सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं हम, हमारे को क्या मिलेगा? तो आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो व्याख्यान में, जो बातें में जो कर रहा हूं, आप अपने घर में अपने कामों में रहेंगे तो ये बात आपको नहीं मिलेंगी, और ये बात नहीं मिलेंगी तो फिर आप समझ जो चाहिए वो समझ भी नहीं आएगी। आपके पास जो समझ है उससे तो आप सुखी हो ही नहीं, आपकी समझ से आप संपन्न और सुखी समृद्ध नहीं हो। आपके पास वैभव है, धन है, कमाई है, सब है, पर कोई ना कोई व्यथा
कोई न कोई व्यर्थता आपको तकलीफ दे रही है, तो वो समाधान यहां मिल जाता है सत्संग में आने से। यहां जब हम पहुंचते हैं तो वो समाधान हमें प्राप्त होता है, हमारे अंदर महीनों से चल रहा प्रश्न उसका हल यहां प्राप्त हो जाता है और सब हल्का हल्का लगता है, प्रसन्न लगता है, आनंदित लगता है। आज ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से जाकर जब ये शिकवा किया माता पार्वती से, तो भगवान शंकर को समझा दिया माता पार्वती ने, तो भगवान कहने लगे पार्वती से, अरे बोली ब्रह्मा जी जो भाग्य बनाते हैं वो भाग्य कभी मिटता नहीं है, पर किसी व्यक्ति ने किसी जन्म में केवल दुर्भाग्य ही पैदा किया है, तो ब्रह्मा जी ने तो दुर्भाग्य लिख दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, वर वो व्यक्ति असूज हो जाता है, वो व्यक्ति असाध्य हो जाता है और वो असहनीय हो जाता है, और फिर वो ब्रह्मा से ही प्रार्थना करता है मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, अब मुझसे ये कष्ट सहन नहीं होते, अब मुझसे घर के परिवार की ये हाँ हाँ दादा नहीं सहन होती, अब मेरी मौत मुझे दे दो, और ब्रह्मा जी मौत उसे देते नहीं है क्योंकि भाग्य में लिखा नहीं है, मांगने से मौत नहीं मिलती है, और वो अनंत दुख में परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे समय में फिर मेरा नाम शिव है, मैंने ब्रह्मा जी के काल में जब ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे तब ही पार्वती मैंने ब्रह्मा से कहा था कि हे ब्रह्मदेव, जगत में मैं हम कल्याण के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, मैं सबका कल्याण करूंगा। तब मेरे पास कोई आता है तो फिर मैं ब्रह्मा की बात को भूल जाता हूं, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं, इसीलिए मैं भाग्य को छोड़ के भी अलग से एक विधाता बन करके उनके नई भाग्य रेखाएं बनाता हूं और उन्हें संपन्न और सुखी करता हूं। ऐसा केवल भगवान शिव जी ने किया, ऐसा नहीं है, सबको ऐसा ही करना चाहिए। भाग में जो लिखा है वो ठीक है, पर अपने अपने धर्म का भी पालन हमको करना चाहिए, निज धर्म का पालन करना चाहिए। अनुसुईया माता की कथा भागवत में आती है, आपने सुनी भी है। अनुसुईया माता से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जब भिक्षा मांगते हैं तो कहते हैं वस्त्र उतार दो, निर्वस्त्र हो जाओ, और पतिव्रता है। अनुसुईया माता ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके इस सस्पंजस में पड़ गई कि मैं क्या करूं, इस अवस्था का नाम है धर्म संकट। अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई, अब वो सोच रही है कि मैं वस्त्र उतारती हूं तो पति धर्म जाएगा और वस्त्र नहीं उतारे तो मेरा धर्म जाएगा, मैं क्या करूं। तो वो क्या करने लगी, नेत्र बंद करके भगवान नारायण का ध्यान करने लगी, और नारायण वहीं खड़े थे, उन्होंने ही तो कहा वस्त्र उतारो और भोजन कराओ। नारायण का जब ध्यान करने लगी तो भगवान नारायण ध्यान का फल दिया उनको, ध्यान का जब ध्यान किया तो धर्म संकट से निकलने का मार्ग भगवान नारायण ने उनकी बुद्धि में डाल दिया, और बुद्धि में डाला तो कहा भगवान नारायण ने कि ये कहो, ये सोचो और ये कर्म करो कि पहले मेरा धर्म बाद में पति धर्म, क्योंकि पहले मेरा जन्म हुआ है बाद में मेरे पति का जन्म मेरे लिए हुआ है, बाद में मुझे पति मिला है, पहले तो मैं मानव और मेरा धर्म है, मेरे दरवाजे से भूखा ना जाए कोई, मेरे द्वार से कोई असंतुष्ट ना जाए, ये मेरा धर्म, मैंने वचन लिया, मैंने वचन लिया, मैंने संकल्प लिया है, और मेरा संकल्प छूट गया तो फिर मैं पति के धर्म का क्या करूंगी। ऐसा भगवान ने बुद्धि दी और नेत्र खोले, और नेत्र खोले तो देखा बालक, छोटे छोटे बालक हो गए तीनों देवता। कर्तव्य पथ पर चलते हुए आदमी को बड़े बड़े धर्म संकट आते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो करने में दुनिया भर का अधर्म ही अधर्म दिखती है, पर भगवान महाभारत से लेकर गीता में अर्जुन को यह सिखाते हैं कि कभी कभी असत्य भी सत्य बन जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म बन जाता है, पर अपने धर्म के पालन के लिए ये सब धर्म ही कहलाते हैं। एक सामान्य आदमी किसी महिला के अंग को देखे तो बुरी बात, और वही अंग डॉक्टर देखे तो अच्छी बात। डॉक्टर अंग देखता है तो समाधान करता है जीवन का, प्राणदान करता है, अनेक प्रकार के रोग से मुक्त करता है, और एक अचानक यूं ही कोई आदमी जबरदस्ती करे तो ये अपराध, ये अन्याय। अंग वही है, चीज वही है, पर दोनों अवस्थाएं अलग हो गई, व्यवस्था और व्यक्ति बदल गए।
यावते कर्मम न भूयंत जाताम धर्मो न प्रवृत्ति युक्तान आत्मना। तो हम सबके अनेक धर्म हैं जीने के लिए, पर हमारा एक धर्म वास्तविक है, मानवीय धर्म, अपना अपना सबका। तो आज कथा में सबको अपने अपने धर्म का पालन करना है, ऐसा ब्रह्मा जी ने, सॉरी शिव जी ने पार्वती जी को कह दिया। पार्वती, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी का अपना काम है, मेरा अपना काम है, मैं ब्रह्मा जी की हर चीज में सहायता करता हूं। और ब्रह्मा जी सृष्टि करके, सृष्टि का उद्धार नहीं कर पा रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने तप करके मुझे आमंत्रित किया, मैं आया, तो मैंने वो जिम्मेदारी ली है। और मैंने ये वरदान दिया था तभी कि मुझे जो भजेगा मैं उसका भाग्य अलग से बना दूंगा। तो भगवान शंकर की जो आराधना है बंधु, वो अद्भुत है और ऐसी है कि जो भाग्य में नहीं है लिखा हुआ वह भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भाग्य का भी भोगो और जो भाग्य में नहीं है उसे पुरुषार्थ से पैदा करो। जो नहीं है भाग्य में उसे पैदा किया जा सकता है पुरुषार्थ से, आपके परमार्थ से, आपके सत्कर्मों से। जो भाग में है वो तो थोड़े थोड़े काम करते जाओगे, वो भाग में जो है वो खुलता जाएगा, मिलता जाएगा, खुलता जाएगा, मिलता जाएगा। पर जो भाग में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं तो मिलेगा नहीं, नंबर नहीं आएगा। पर देवताओं की भक्ति में ये शक्ति है, अलग अलग। आप जिस देवता को भजते हैं वो अलग काम करता है। जैसे नाक कान का डॉक्टर, नाक कान का डॉक्टर हार्ड की सर्जरी कभी कर सकता नहीं है। नेत्रों का डॉक्टर कभी भी गले की बीमारी ठीक नहीं कर सकता, जानता है, पर डॉक्टर जानता है कि ये दवाइयां वगैरह ये काम करती हैं गले में, पर वो इलाज करेगा नहीं, वो बोलेगा मैं नहीं जानता हूँ, मेरा काम नेत्रों का है, गले का और कान का संबंध है तो ये एक ही डॉक्टर है, हार्ट का अलग है, आपके दिल दिमाग का अलग है। तो ऐसे देवताएं अलग अलग सुरक्षा, अलग अलग स्वास्थ्य देने के लिए बने हैं। सब देवता मिलकर के, सारे देवता जैसे अलग अलग कंपाउंड डिपार्टमेंट है उनका, ऐसे संपूर्ण डिपार्टमेंट का जो एक मूल कारण है, जो सर्जन है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर परमात्मा, वो महादेव। महादेव के पास में सब रोगों की दवा है। भगवान श्री नारायण कल्याण नहीं करते किसी का, वो भक्ति दान करेंगे, प्रेम दान करेंगे, वैकुंठ दान करेंगे, सब दान करेंगे, पर कल्याण, कल्याण शिव करेंगे। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, उनमें कल्याण करने की जिम्मेदारी है, वो करते हैं। भगवान नारायण की जिम्मेदारी है आपको बढ़ाना, आपको रूपवान बनाना, श्रृंगारवान बनाना। श्रृंगारवान बनाने का मतलब ऐसे काजर बेंदी नहीं है, श्रृंगार का मतलब है हस्त खेलते रखना। कौन कौन से श्रृंगार हैं? हास्य, वीर, ये सभी जो राग संगीत में गाए जाते हैं ये सब श्रृंगार हैं। और ये जब श्रृंगार सजते हैं तो महफिल सज जाती है, और महफिल में शोभा, सुंदरता, आनंद, प्रेम, अनुराग सब पैदा होने लगता है, सब दिखने लगता है। ये सब अनुभव ये नारायण के हैं। ब्रह्मा के पास में भाग्य है। आपको लगता है मेरा भाग्य खोटा है, मेरा भाग्य फूटा है, तो आप प्रजापति का, ब्रह्मा का ध्यान करो। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय से पहले ब्रह्मा को ध्यान कर लो, भज लो। और मैं कहता हूं आप जिस रूप में ब्रह्मा को देखते हैं, बस वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्मा को ध्यान करो, आपका सब कुछ भाग्य जो है धीरे धीरे ब्रह्मा बदलते हैं, धीरे धीरे चेंज करेंगे। क्योंकि आप ध्यान कर लेना, आपकी वाणी में अगर मिठास है, रस है, तो आप जो सामान दुकानदार से लाए हैं और घर पे घर वालों ने फेल कर दिया, अगर आपकी वाणी में मिठास है तो दुकानदार उस माल को वापस ले सकता है। अगर आपकी वाणी में वो गुण नहीं है तो दुकानदार वापस नहीं लेगा, लड़ेगा, नहीं लेगा।
आपकी वाणी में प्रेम है, रस है, आनंद है, आपको कहना अच्छा आता है, आप बात अच्छी तरह कह पाते हैं ब्रह्मा से, तो आपके भाग्य को भी वो बदल देंगे, आपकी लकीरों को भी वो बदल देंगे। आपका जो सामान, आपके हक का जो मिला था वो मिल गया, फिर उसे बदला जाएगा कैसे? बदला जा सकता है, भाग्य को भी मेटा जा सकता है, भाग्य भी मिटता है, पर उस भाग्य को मेटने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक नया सत्कर्म खड़ा करना पड़ता है, शुभ कर्म करने पड़ते हैं, जो हमने पिछले जन्म में दान किए नहीं थे, कथा की नहीं थी, हमने दीनहीनों का सहायक सहयोग नहीं किया, तो हमें फिर वो भाग्य बना, वैसा ही भाग्य बना, और उस भाग्य से हम परेशान हैं। अब हम परेशान हैं तो अब करो, भाग्य बदलने का काम करो, कथा करो, यज्ञ करो, दान करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अपने जीवन में अगर हीनता दीनता से जी रहे हो तो उस दीनता हीनता को मिटाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है शुभ कर्म मार्ग, सत्कर्म मार्ग, दान का मार्ग, सेवा का मार्ग, भक्ति का मार्ग। इनको करते हुए संसार के कर्म करो, नौकरी करो, व्यापार करो, दुकान करो। मैं तो कहता हूँ छोटे से ठेला पर आप खट्टा पानी बेचो, बस। खट्टा पानी का मतलब है नींबू रख लो, पानी रख लो। आपके पास ज्यादा है तो पुदीना ले आओ, और कुछ है तो नमक मिर्ची जीरा धनिया ले आओ, बस पानी में निचोड़ो, डालो और हिलाओ और पिलाओ। इतना भी व्यापार करते हैं तो मैं आपसे गारंटी कह सकता हूं, अगर आपने भाग बनाने का निश्चय कर लिया है, अगर आप उसी में से दान करते हैं, सेवा करते हैं, उसी में से तीर्थ करते हैं, उसमें से कहीं कहीं परमार्थ करते हैं, जरूरतमंद को प्यास में पानी पिलाते हैं मुफ्त में, तो आप धीरे धीरे उसी में से भाग्य का निर्माण कर रहे हैं अपना, और वही तुम्हें न जाने कहां तक ले जा सकता है। मैं कुछ कह नहीं सकता, कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। उदाहरण के लिए कई नाम है मेरे पास में, उदाहरण के लिए बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम बोले तो जितने नेता हैं उनमें से 70% नेता भी ऐसे ही हैं। 25 साल पहले नेता के पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। क्यों? भाग्य का निर्माण किया, ऐसे नहीं मिलता कुछ, उन्होंने भाग्य को बनाया, निर्माण किया और बन गया। ऐसे ही बहुत सारे उद्योगपति हैं, जितने भी उद्योगपति हैं जिनका नाम हाईलाइट और हाई लिस्ट पर है, जिनको एशिया में, यूरोप में गिनती गिना जाता है, 1, 2, 3 में। 1, 2, 3 वाले जो लोग हैं उनका इतिहास उठा के देख लो, 30-40 साल पुराना, आपको पता चल जाएगा उनके पास कुछ नहीं था। परमार्थ से सब कुछ हासिल हो सकता है। एक आदमी जो है पूरे खेत में उसने गड्ढा 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 कर दिए पूरे खेत में। एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने पूछा, भैया ये क्या कर दिए सबरे खेत में, छेद छेद कर दिए तूने? तो कहा, महाराज पानी ना मिल रो, पानी ढूंढ रहा हूं, पानी ढूंढ रहा हूं, पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने पूरे खेत को खोद डाला पंप से, दे बोर। 150 फुट खोदता, पानी नहीं मिलता, बंद कर देता, थक जाता, दूसरी जगह खोदता। महात्मा कहने लगे, आओ पानी निकालते हैं हम। महात्मा ने कहा, पहला गड्ढा बताओ कहाँ खोदा तुमने? वहीं गए, वहां पानी नहीं, नहीं है, चलो पानी निकालते हैं। महात्मा ने उसी गड्ढे में ले जा करके किसान को खड़ा कर दिया और कहा, इसमें बाल्टी चलाओ, चलाते रहो, चलाते रहो। 500-700 फुट खोदा, पानी के फुब्बारे मारने लग गया। महात्मा बताने चाहते हैं कि कोई आदमी बहुत सारे काम करता है पर सब जगह फेल हो जाता है, तो महात्मा कह रहे हैं, इतने सारे काम मत कर, एक काम पर ध्यान लगाकर, एक काम को संघर्ष के साथ कर, लंबे समय तक कर, वही काम तुझे राम तक ले जाएगा, धनवान बनाएगा, लक्ष्मी का स्वामी बनाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते चालू टाइप के, 6 महीने जी दुकान, 6 महीने वो दुकान, 6 महीने वो चोरायो, 5 महीने वो चोरायो, 5 महीने वो फलाना, 5 महीने ये काम, कभी रिक्शा, कभी तांगा, कभी ठेला, कभी ढकेला, और सब जगह भूखा। ये तो होगा व्याख्यान, अब इसको प्रमाण पत्र कहां से मिले? प्रमाण पत्र महात्मा कह रहे हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब जाए। एक साधे, आपको जो भी लगे उसे साध लो,
राम नाम का सुबिरन कर ले और कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, हाँ कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। अरे लाला, छोटे शॉर्ट बनाना बंद कर दो, छोटे शॉर्ट मत बना। पीछे वालों हाथ दिख रहा है क्या? हाथ, हाँ इसीलिए इसीलिए करवाया हाथ। ये बात शनिवार शुक्रवार गुरुवार बुधवार मंगलवार और सोमवार के सबरे पाप धोने आज रविवार में। राम नाम का सुमिरन कर ले, भोले नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, हाँ कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। बहुत काम करके देख लिए तुमने, एक बार हमारा भी कहना मान लो। राम नाम से, भोले नाम से शुरू करो जिंदगी को। बिगड़ी बनेगी तुम्हारी, बिगड़ा काम बनेगा। और जिनके भरोसे तुम जी रहे हो उनके लिए दो लाइनें सुन लो। गली गली में मित्र तुम्हारे, हाथ पकड़ कर डोल रहे, गली गली में मित्र तुम्हारे, हाथ पकड़ कर डोल रहे, गली गली में मित्र तुम्हारे, हाथ पकड़ कर डोल रहे, गली गली में मित्र तुम्हारे, हाथ पकड़ कर डोल रहे। फायदे के साथी हैं सब, घाटे में का कोई साथी नहीं है, ध्यान रखो। पग पग पर ये कोयल जैसी मीठी वाणी बोल रहे, पग पग पर ये कोयल जैसी मीठी वाणी बोल रहे, पग पग पर ये कोयल जैसी मीठी वाणी बोल रहे, पग पग पर ये कोयल जैसी मीठी वाणी बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी में तो, बनी के साथी धोखा देंगे यार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे,
ये धोखा देंगे यार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। भोले नाम का, भोले नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपने आप ही बंद हो जाता चलते चलते। सदगुरु भगवान सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा का दर्शन करा रहे हैं और वो परम पावनी कथा सूत जी ने महादेव के अनेक चरित्र सुनाए। आज भगवान सोमनाथ महादेव का वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के असंख्य अगणित नाम हैं। पर भोलेनाथ के जो मुख्य 12 जो नाम हैं, उन सब नामों के पीछे भक्ति है। भक्तों के कारण भोलेनाथ इन नामों से प्रसिद्ध हुए और जिनकी महिमा आज तक लगातार गाई जा रही है, जिनका पूजन बंधन लगातार हो रहा है। सौनक जी ने पूछा, महाभागा सूत जी, चरणों में बंधन करते हुए हमारी इच्छा पूर्ण करें, हमें बताएं कि भगवान सोमनाथ का प्राकट्य किस हेतु से हुआ। तब भगवान सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सोमनाथ महादेव की पावन कथा सुना रहे हैं, महत्तम सुना रहे हैं, उनका चरित्र प्राकट्य और उनका प्रभाव सब गुण बता रहे हैं। भगवान सूत जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति के घर में पुत्री के रूप में 60 कन्याओं का जन्म हुआ और उन 60 कन्याओं में से 11 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव यानी सोमदेव के साथ किया गया और उन कन्याओं में से एक कन्या सती का विवाह महादेव से भी हुआ। वो कथाएं 3 दिन पहले हो चुकी हैं। चंद्रदेव का जो स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव है कि वहां सब जाना चाहते हैं। जैसे भारत पहुंच गया चंद्रमा पर,
ये बड़ी कामयाबी भारत को प्राप्त हुई, भारत के विज्ञान को, भारत की खोज को, भारत के प्रयास को। ऐसे ही और भी विश्व के कितने सारे देश जिन्होंने प्रयास किया, कुछ लोग वहां तक पहुंचे, कुछ लोग नहीं पहुंचे। सभी लोग वहां जाना चाहते हैं क्योंकि चंद्रमा शीतल स्वभाव, ऐसा माना गया है कि चंद्रमा पर कभी कभी तो 200 माइनस तापमान हो जाता है, इतना शीतल है चंद्रमा का स्वभाव। और वहां 200 तापमान जब माइनस होता है तो वहां का प्रभाव यहां तक आता है महाराज। चंद्रमा जब भर जवानी में शरद पूर्णिमा में आता है तो ठंड पैदा कर देता है रात्रि में। और आप कभी भी देखना, शुक्ल पक्ष की रात हमेशा ठंडी होती है, चाहे जून का महीना हो चाहे मई का महीना हो। और जैसे ही चंद्रमा थोड़ा दूर जाता है धरती से, कृष्ण पक्ष आता है, तो गर्मी बढ़ जाती है, सूर्य का वेग बढ़ जाता है, सूर्य के तापमान को कम करने का काम चंद्रमा करता है। क्योंकि सूर्य की तापमान सतह है चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्य धरती पर प्रकट होता है। और इसीलिए कहते हैं कि सूर्य की ही तेज रोशनी को चंद्रमा रात्रि में हमें बखेर देता है। तो सूर्य के तापमान को जो सहन करता हो उसमें कितनी शीतलता होगी, कितना बल और कितना धैर्य होगा। धीर गंभीर बर चाहिए कन्या के लिए, उतावला चंचल उत्तेजक बर नहीं चाहिए। सबसे बड़ा ही संसार में सबसे बड़ा बल ही धीर बल है। इसीलिए कहावत है नोएडा में के एक चुप हजारन ने हरावे। एक चुप का मतलब है शीलता से, धैर्य से, संतोष से।